श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के जो एपिसोड में है, हमने आपको एक हमारी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो क्रिस्टल ट्री यानी जेम ट्री के बारे में। तो ये जेम ट्री को हम वास्तु के कौन से जोन में रखेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, और उस जोन से मिलने वाली जो एट्रीब्यूट है उनसे जो गुणधर्म है वो हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं मिसलेस हो रही है, तो जेम ट्री अपनी कुदरती यानी अपनी नेचुरल शक्ति के द्वारा हमें एनर्जाइज करेगा और वहां से हमें वो गुण प्राप्त होंगे। वो पिछली वीडियो में आपको नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सब कुछ दिखा रखा है, साउथ ईस्ट तक हमने आपको सब कुछ दिखा रखा है और सब कुछ वीडियो में समझाया। इस वीडियो के अंदर हम आपको साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक जो हमारे फायर जोन है, इस फायर जोन की क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ के अंदर और वहाँ पे कौन सा जेम ट्री रखेंगे, मल्टी कलर रखेंगे या पैसिफिक एक कलर रखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जेम ट्री ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा, या आप कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जब आपको ये जेम ट्री मिलता है तो अवश्य उसको खरीदिए और आपके घर के अंदर स्थापित कीजिए। अगर इसको आपको प्राप्त करने में कोई दुविधा आ रही है तो आप हमें संपर्क कीजिए, हमारी संस्था आपको वो ट्री आपको उपलब्ध करा देंगे जिससे आपके घर की जो एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव कर सको। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शुरुआत करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एक और जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, वहाँ वो चैनल की लिंक हमने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, और आपको खास हम निवेदन करते हैं, अगर आप वास्तु संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या शास्त्रोक्त कोई उपाय या टोटका लाल किताब से आप इंटरेस्टेड हो, आप में उसको बहुत इंटरेस्ट आता है और उसके उपाय जानने के लिए आप तत्पर रहते हो, तो प्लीज़ हमारी वो चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल प्रेस कीजिए, जिससे हमारी कोई भी अपडेट होगी, हमारा कोई भी वीडियो होगा तो इमीजिएटली आपको प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी। जो चैनल हमारी है शिव एस्ट्रो वास्तु, वहाँ पर जाके विजिट करिए तो आपको भी कुछ आपके ज्ञान के भंडार में कुछ ना कुछ वहां पे आपको वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है फायर जोन, यानी वास्तु के अंदर हमारे 16 जोन में हमारा पूरा वास्तु डिवाइड होता है, हर एक जोन की जो डिग्री होती है वो एक कैलकुलेशन होती है 22.5 यानी 22.5 जो एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर एक गुणधर्म होता है, एट्रीब्यूट होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो एनर्जी आपके लाइफ के अंदर प्ले करती है। जैसे हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट फायर जोन है, साउथ ईस्ट के अंदर आपके लिक्विडिटी यानी पैसा नगद, आपके जीवन में कितना नगद पैसा होना चाहिए या किस तरह से वहाँ पे सेविंग करनी चाहिए, किस तरह से वहाँ पे पैसा बचना चाहिए, और आपके घर के अंदर किस तरह से मांगलिक कार्य और शुभ अवसर आने चाहिए, क्योंकि फायर यानी मंगल कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, वहाँ पे शौचालय है, वाटर एलिमेंट है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सीढ़ियाँ है, या फिर वहाँ पे ऐसी भी कोई नेगेटिविटी है कि आपकी वहाँ की फायर की फ्रिक्वेंसी को वीक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज हम आपको एक ट्री दिखाएंगे, जो ट्री है जेम ट्री। एक तो मल्टी कलर है, ये मल्टी स्टोन ट्री भी आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हो साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिससे आपकी कैश लिक्विडिटी यानी नकद पैसे की हलनचलन, आपका बैंक बैलेंस प्लस आपसे पैसे से संबंधित आपके ओन हैंड जो पैसा नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई भी आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे पास धन तो आ रहा है पर पैसा नहीं बच रहा, तो उसका क्या रीज़न है कि वहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत मात्रा में उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, तो ये ट्री रख के वहाँ की एनर्जी को आप इंक्रीज कर सकते हो। पैसिफिक इसका अगर आप कलर देखा जाए तो ये जो दो स्टोन है, ये रेड जेस्पर वहाँ पे आप स्थापित कर सकते हो, ये दो स्टोन आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में वहाँ पे दो जेम ट्री भी रख सकते हो। ये छोटे मॉडल में जेम ट्री है और वो बिग मॉडल में जेम ट्री है, कोई भी मल्टी कलर भी आप यूज़ कर सकते हो और छोटे मॉडल के भी जेम ट्री यूज़ कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जो भी हमारे वास्तु के 16 जोन है, उस 16 जोन से इंक्लूडिंग ये ट्री है, ये ट्री वहाँ पे आप स्थापित करेंगे तो वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है वो पॉजिटिविटी एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वाइब्रेशन हमारे घर के एकदम सुधर जाएंगे। फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट की कोई भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा हाथ में नहीं रह रहा, पैसा आ नहीं रहा, आपके घर के अंदर शुभ कार्य नहीं हो रही, शादी ब्याह जैसे शुभ प्रसंग नहीं हो रहे, आप कोई भी प्रसंग आपके जीवन में कोई भी शुभ कार्य करने जाते हो तो वहाँ पर देरी होती है, या वहाँ पर कोई भी बाधा आती है, या फिर आपके घर के अंदर जो लेडीज है उसकी लाइफ के अंदर हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर शुक्र ग्रह से भी संबंधित है, यानी आपकी लग्जरियस वैभवशाली जीवन के अंदर होने वाली समस्या। ये
ही वहाँ रखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम्स बेहद हद तक पूरी सोल्व हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर एक नई सुनहरे अवसर आने लग जाएंगे, घर में पैसा दिखेगा और आपके जो रुके हुए शुभ कार्य है वो भी मंगलकारी आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स, अब उस जोन से हम आगे बढ़ेंगे तो साउथ और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण अग्निकोण का दक्षिण हिस्सा, अग्निकोण का दक्षिण हिस्सा, वहाँ पर शुक्र ग्रह का वास है और वहाँ पर भी नेगेटिविटी की कोई भी कारण होगा तो वाटर एलिमेंट है या एंटी एलिमेंट है। यानी वहाँ पे अगर आपको पीतल रख दिया या वहाँ पे अगर आपने एल्यूमिनियम रख दिया तो आपको नेगेटिविटी प्राप्त होगी, आपको वो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे रहेगी। उससे भी आपके पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, जहाँ पे एक तरह का पावर पैसा का भी कहा जाता है और एक फायर कहता है हमारे जीवन के अंदर उत्तेजना, उत्साह और एक कॉन्फिडेंस और जुस्सा। कोई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास जुस्सा नहीं होता, उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती है पर उसमें काम करने का जो जोश होता है वो जोश उसके पास नहीं अवेलेबल होता है, जिससे वो अपने जीवन के कार्य नहीं कर पाता। तो उसके जीवन के अंदर ऐसा होना क्या कारण, तो उसके साउथ और साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण का दक्षिण जो एरिया है वो 100% डिस्टर्ब है, वहाँ पे कोई भी एंटी एक्टिविटी जब से उससे उसकी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ पे भी आप साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर ये जेम ट्री को स्थापित कर दीजिए। इसकी जो नेचुरल एनर्जी है वो आपको पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन मिलेगी और आपकी जो पावर कॉन्फिडेंस लूज जो आत्मविश्वास की कमी है कई हद तक वो कमी भी आपकी सोल्व होती हुई आएगी, क्योंकि ये प्रॉपरली नेचुरल स्टोन है। आप वहाँ पे रखेंगे तो इसकी खुद की एक वाइब्रेशन है वहाँ के वास्तु दोष को दूर करेगी। जनरली ऐसा नहीं तो शौचालय तो तोड़ना पड़ेगा या मेरी कोई एक प्रोडक्ट शौचालय से रिलेटेड है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। आप वहाँ की एनर्जी को भी अगर एक बार चेंज कर दोगे, जैसे हम चैंटिंग करते हैं वहाँ पे हम पॉजिटिविटी के कोई सिंबल लगाते हैं तो कैसे एनर्जी चेंज होती है जो आपको ओरा स्कैनर के माध्यम से पता चलता है। तो ये स्टोन है, स्टोन से भी आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। फ्रेंड, जिस तरह से आप नंग नगीना पहनते हो तो वो क्या थोड़ी ऐसा है कि वो नंग नगीना भी एक कुदरती स्टोन है जिससे आपकी खुद की एनर्जी, आपके ग्रहों की एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाती है। फ्रेंड्स, अब हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से आगे बढ़ेंगे तो साउथ आपकी ब्रांड, आपकी कहते हैं फेमस, आप ब्रांड, आपकी ब्रांड नहीं होगी तो आपकी बिजनेस नहीं चलेगा, आप फेमस नहीं होगे तो आपके जीवन के अंदर ऐशोराम नहीं आएगा और आपको कोई जस नहीं देगा, कीर्ति नहीं देगा, आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा, क्योंकि आपकी खुद की एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। लाइफ के अंदर कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरी ब्रांड बहुत बैक जा रही है, हिट हो रही है, तो आप अपने साउथ डायरेक्शन को चेक करना, वहाँ पे एक बंद घड़ी भी होगी ना तो फ्रेंड्स आपको वो नेगेटिविटी आपकी ब्रांड में डिस्टर्ब करेगी। ऐसे तो वास्तु के बहुत सारे मेरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड है कि साउथ को किस तरह से देखा जाता है और साउथ में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। बट आपको जो मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता, एक तो सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए, वहां पे शौचालय नहीं होना चाहिए, वहां पे कहीं पे भी कुआं या सेफ्टी टैंक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी एंटी एक्टिविटी है, अगर वहाँ पे होगी तो आपकी ब्रांड, आपकी यश कीर्ति पे ठेस पहुँचेगी और आप अपनी ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाओगे। और जब भी आप अपनी ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाओगे तो आपकी लाइफ के अंदर पैसा नहीं आएगा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा, जॉब के अंदर भी अगर आपके आप में मान सम्मान की आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो कहाँ से आपका प्रमोशन होगा। तो मिलजुल के आज की वीडियो में यही बता रहा हूँ, फायर जोन से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है और आप पे वहाँ पे दो तीन फायर जोन एकदम क्लियर है, मीन्स वहाँ पे रखने की कोई भी जगह है तो वहाँ पे आप ये एक ट्री ये भी रख सकते हो, एक ट्री आप ये भी रख सकते हो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दो ट्री भी रख सकते हो, सिंगल ट्री भी रख सकते हो, ये रेड जेस्पर है, इसको वहाँ पे स्थापित करने से आपके वहाँ के दोष का नियंत्रण होगा और साथ ही साथ अगर आप मल्टी कलर के भी स्टोन के ट्री रख सकते हो तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करेगी और आपकी वो समस्या का बहुत हद तक का समाधान हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।